मूछ फाड़ने का दाढ़ी फाड़ने का काम करेगी प्रदेश की जनता जब पता लगेगा उसको। हटाओ सरकार, हटा के मर गया, हटाला दूसरे कानून। तीन जो अध्यादेश सरकार लेकर आई है वो किसान आड़ती मजदूर विरोधी है, इसे तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाए। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गृह मंत्री जो है ना आजकल वो दिल के मरीज हो चुके, कंगना के प्यार में पागल है, उनको कंगना देखनी है। गृह मंत्री जो है ना आजकल वो दिल के मरीज हो चुके, कंगना के प्यार में पागल है, उनको कंगना देखनी है ठीक है। उनको गृह मंत्री जो है ना आजकल वो दिल के मरीज हो चुके, कंगना के प्यार में पागल है, उनको ठीक है। उनको कंगना की चिंता ज्यादा है, किसान की चिंता नहीं। उसकी मूछ फाड़ने का दाढ़ी फाड़ने का काम करेगी प्रदेश की जनता जब मूछ फाड़ने का दाढ़ी फाड़ने का काम करेगी प्रदेश की जनता जब मूछ फाड़ने का दाढ़ी फाड़ने का काम करेगी प्रदेश की जनता जब पता लगेगा उसको। हम आपको दे रहे हैं खबर, हिसार अनाज मंडी में किसानों के धरने पर सब व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग पहुंचे हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, कहा है कि व्यापारियों का पूर्ण समर्थन किसानों के धरने पर रहेगा, उनके हर आंदोलन में व्यापारी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। आखिर और क्या कहा, सुनिए पूरी वीडियो। सरकार ने जो तीन नया अध्यादेश जो लाई है उसके विरोध के अंदर धरना प्रदर्शन जारी है। उसी कड़ी के अंदर हरियाणा के अंदर हिसार की मंडी के अंदर किसान आड़ती धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, तीन जो अध्यादेश सरकार लेकर आई है वो किसान आड़ती मजदूर विरोधी है, इसे तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाए। सरकार की जो किसान की जो भी फसल है भाई MSP के से कम कहीं भी खरीद नहीं होनी चाहिए। जो भी प्राइवेट कंपनी चाहे खेत में खरीदो, चाहे गांव में खरीदो, चाहे मंडी में खरीदो, कम से कम MSP दाम के अंदर खरीदनी चाहिए, मंडी के आड़ती के माध्यम से खरीदो, ताकि किसी प्रकार का विरोध देश के अंदर ना रहे। आज हमारा अन्नदाता सड़कों पे है, आज देश का जो अन्नदाता है सरकार की नीतियों के कारण पूरी तरह से बर्बादी के करार पर है और आड़ती पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। सरकार ने जो नई पॉलिसी बनाई है उसमें कहीं नहीं लिखा, नए फरमान के अंदर जितनी प्राइवेट कंपनियां जो अनाज खरीदेंगे MSP से कम नहीं खरीदेगी। सरकार की अगली योजना यही है कि MSP के जो रेटों का जो अनाज की परचेज हो रही है उसको खत्म करना और मंडियों को बर्बाद करना, उसे किसी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। 20 तारीख से 19 तारीख तक धरना रहेगा और 20 तारीख को जोरदार जुलूस रैली प्रदर्शन पूरे हरियाणा के हेडक्वार्टर मंडियों पर होगी और हमें सरकार का घेराव करना पड़ा घेराव करेंगे, सेक्रेटरियट का घेराव करना पड़ा तो करेंगे। कि लाठी बरसाओ, झूठे केस बनाओ, उसे किसी कीमत से नहीं डरेंगे, नहीं दबेंगे। इन्होंने तो अंग्रेजों को जो शासन वो बुला दिया, जो शांति पे हमारे किसान आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज करना, उल्टा ही उनके ऊपर झूठे 307 के मुकदमे दर्ज करना, ये सरकार की कार्यपूर्ण कदम है। इस चीज की जितनी भी निंदा की जाए थोड़ी है।